निकुज हम लोग बात कर रहे थे कि जैसे दस दिन से खरीद रहे इनका जो एफ आई एस का हमने डेटा देखा डेटर साहब लेके है वो डेटा ट्वेंटी क्वार्टर हाई पे एफ आई एस की स्मॉल कैप में स्टेक चली गई है यानी कहीं ना कहीं वो अब मिड और स्माल की तरफ देखना शुरू हो गए ट्वेंटी क्वार्टर हाई पे एफ आई एस का स्टेक पहुंच गया और हमने देखा कि कुछ स्टॉक्स भी निकाल के लाए बड़े जिंदल स्टेन ले और बहुत सारी लंबी लिस्ट है डेटर साहब चला सके वो लिस्ट का तो कहीं ना कहीं उनकी एक्टिविटी अब ब्रॉडन हो रही है पहले जैसे आप एक हफ्ते दस दिन से एफ आई ए लव लार्ज कैप्स की बात कर रहे थे अब धीरे धीरे लग रहा है कि उनकी एक्टिविटी ब्रॉडन हो रही है एनी थॉट्स देखिए अजय जो फ्लोज आते हैं उनके कई uh, कई मायने होते हैं देर लॉर्ड ऑफ वेज ई टी एफ फ्लोज रीजनल फ्लोज एलोकेशन फ्लोज लार्ज कैप फ्लोज इक्विटी डाइवर्सिफाइड फ्लोज तो जिस हम इंडियन मार्केट के अंदर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट को देख करके एक कंक्लूड नहीं कर सकते हैं उसी हिसाब से मुझे लगता है कि समय आप जो बोल रहे हैं सही बात है कि इज नाउ एक एक जमाना होता था एफ आई वुड नॉट गो जस्ट थ्री सेक्टर्स इन इंडिया प्राइवेट बैंक्स लार्ज कैप आई टी एंड नेम्स अगर हम देख रहे हैं एफ आई की जो होल्डिंग है मेटल्स में आ रही है एफ आई की होल्डिंग स्मॉल इंजीनियरिंग कंपनीज में आ रही है तो जाहिर सी बात है कि इंडिया

अभी सिटी की रिपोर्ट सुबह सुबह uh -huh. सिटी का मानना है कि भाई अर्निंग सीजन खत्म होने को आ गया ऑलमोस्ट इस हफ्ते के एंड में पूरा खत्म हो जाएगा आप देखें तो अर्निंग्स अपग्रेड नहीं है मगर डाउनग्रेड नहीं है तीन क्वार्टर डाउनग्रेड के बाद पहली बार आए कि अर्निंग्स है इन लाइन इन लाइन नंबर्स एंड विद सॉलिड मैनेजमेंट कॉमेंट्री वी आर लुकिंग एट डबल डिजिट ग्रोथ फॉर एफ एंड डबल डिजिट ग्रोथ फॉर एफ आई ट्वेंटी सत्रह अठारह की पी मल्टीपल डबल डिजिट ग्रोथ अगर आपको मिलती है जहाँ की दुनिया के अंदर इस समय हम देख रहे हैं कि कितनी कठिनाई हो रही है तो इंडिया विल बी इन अ स्वीट स्पॉट आप बहुत महंगे नहीं है आप ग्रो कर रहे हैं पोटेंशियल है और इस समय इन्फ्लेशन जब पिक आउट हो रही है डिमांड जब नॉर्मलाइज हो रही है मुझे लगता है जो मीडियम टर्म का डायरेक्शन रहेगा पॉजिटिव ही रहेगा ऑटो स्टॉक्स पे कोई आपका ध्यान इसके अलावा ही अभी भी यही आपका बेस्ट बैठे सारे ऑटोज में uh, देखिए मुझे लगता है और मैं ब्लॉक डील्स देख रहा था ओके okay. Uh, इंडो स्टार के अंदर बड़े नाम आ रहे हैं रोजी ब्लू का नाम था कल विकास का ही है अब देखिए बजाज फाइनेंस साढ़े पांच हजार छ हजार छ हजार से थोड़ा सा नीचे था अचानक एफ की बाइंग आई साढ़े छह हजार के ऊपर आ आगे हम एनबीएफसी की बात नहीं कर रहे हैं और एनबीएफसी देखिए मुझे लगता है कि अगले बैंक्स चल चुके हैं एनबीएफसी चलने हैं बैंक्स हमेशा जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाती है बड़े बैंक्स को फायदा होता है उनको इसलिए फायदा होता है बिकॉज जो आपका डिपॉजिट होता है वो पुराने रेट पे होता है आप जो लोन डिस्पर्स करते हैं वो नए रेट पे देते हैं hmm. तो बैंक की वो साइकिल खत्म हो रही है तो जो कहते हैं ना इजी मनी इजी मनी बैंक्स में बन गया मगर एन जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जाते हैं कभी नहीं चलते बिकॉज यू आर बाइंग फ्रॉम द एन बी एफ से पैसा लेते हैं वो डिपॉजिट्स नहीं आता है yeah. वो होलसेल मार्केट से लेते हैं होलसेल मार्केट के रेट्स ऊपर जा रहे हैं बिकॉज अपनी इंटरेस्ट रेट बढ़ा रहा था तो जब इंटरेस्ट रेट्स ऊपर जा रहे हैं तो NBFC उस समय पैसा नहीं बनाती हैं पैसा बनाती हैं जब इंटरेस्ट रेट्स फ्लैट टू डाउनवर्ड होती हैं और जब डिमांड अच्छी होती है डिमांड इस समय अच्छी है mm -hmm. और इंटरेस्ट रेट्स पीक आउट हो रहे हैं mm -hmm. तो मुझे लग रहा है कि अगला मूव जो आ रहा है वो होलसेल एन बी एफ सीज में ड्यू है कुछ में आ चुका है और कुछ में आने वाला है mm -hmm. so